आपका बाहर उपासना मंदिर में स्वागत है। धन्यवाद। Welcome to the Baha'i House of Worship that is aided you to the oneness of humanity. चलिए आपको अब लेके चलते लोटस टेम्पल की ओर। हम लोग बस गेट में एंट्री करने वाले हैं। थोड़ा दूर है वो आगे, ये हमारे पीछे का लोटस टेम्पल आपको अगर दिख रहा है तो देख सकते। तो लोटस टेम्पल आने के लिए आप लोग कालका जी मेट्रो स्टेशन पे आ सकते हैं। फिर कालका जी आया जो कालका जी के जस्ट बगल में ही आपको लोटस टेम्पल देखने मिलेगा, तो आप कालका जी के दर्शन करने के साथ लोटस टेम्पल का भी मजा उठा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लोटस टेम्पल ट्यूसडे टू संडे ओपन रहता है और इसकी टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक। लोटस टेम्पल में आपको एंट्री चार्ज नहीं लगता, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो लोटस टेम्पल में आप फ्री में ही विजिट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग लोटस टेम्पल के गेट के अंदर आ चुके हैं, अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं। लोटस टेम्पल बस मंडे को क्लोज रहता है, तो इस दिन आप यहाँ आने का प्लान ना बनाएं। इस मंदिर के अंदर आने पर आपको बहुत ही शांत और पीसफुल वातावरण का एक्सपीरियंस होता है। लोटस टेम्पल को बहाई हाउस ऑफ वर्शिप और कमल मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह न्यू दिल्ली में कालका जी मेट्रो स्टेशन से बस 500 मीटर की दूरी पर है और इसके अंदर आने पर बहुत ही सही नज़ारा देखने को मिलेगा आपको अंदर। लोटस टेम्पल यानी कि कमल मंदिर, जैसा कि इसका नाम है, बिल्कुल ये वैसे ही एक खिलते हुए लोटस के फूल की तरह बनाया गया है। ये 27 मार्बल के पेटल से बना है और 9 शांत पानी के कुंडों से घिरा हुआ है। मंदिर के अंदर आने के बाद हमें यहाँ पैकेट्स मिलते हैं जो कि फ्री में प्रोवाइड किए जाते हैं। इसके अंदर हम अपने जूते रखकर मंदिर के दर्शन के लिए चले जाते हैं। तो लोटस टेम्पल जाने के लिए आज बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, इसीलिए हमें लाइन में लगना पड़ता है। इस मंदिर के अलावा इसकी सुंदर आर्किटेक्चर ही नहीं, बल्कि ये सभी धर्मों के लोगों के लिए एक सद्भावना और यूनिटी या एकता का संदेश देता है। लोटस टेम्पल को बहाई उपासना मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की एक खासियत है कि यहाँ ना कोई मूर्ति है ना किसी टाइप का पूजा की जाती है। लोग यहाँ आते हैं शांति और सुकून का फील करने के लिए। लोटस टेम्पल सन 1986 में बनाया गया था और इसकी आर्किटेक्चर के कारण इसे 20th सेंचुरी का ताजमहल भी कहा जाता है। इस लोटस टेम्पल की हाइट कुछ 40 मीटर्स है और इसके प्रेयर हॉल में 2500 लोग एक साथ बैठ सकते हैं और साथ में प्रेयर कर सकते हैं। इस मंदिर के अंदर आने पर आपको एक ओपन प्रार्थना कक्ष स्वागत करता है और आपको एक बहुत ही शांत और पीसफुल वातावरण का अनुभव होता है। इस मंदिर में कोई भी आवाज़ या शोर मचाना स्ट्रिक्टली मना है और यहाँ पर प्रार्थना के अलावा कोई भी काम नहीं किया जाता है। आप यहाँ आके मेडिटेशन और प्रेयर करके अपना मन शांत कर सकते हैं। हम लोग लोटस टेम्पल के दर्शन कर चुके हैं, अंदर से बहुत ही पीसफुल और बहुत ही सुंदर नज़ारा था। इसके बाद मंदिर के ऊपर से हमें दिखता है ये गार्डन का बहुत ही प्यारा व्यू। तो गार्डन का व्यू देखने के बाद हम टेंपल के नीचे जाते हैं, जहाँ पे पानी के 9 कुंड बने हुए हैं, जो कि शांति का प्रतीक है। यहाँ पे आपको दीवार पे लोटस टेम्पल के बारे में कई सारी इन्फॉर्मेटिव पोस्टर्स देखने को मिलेंगे, तो आइए इन्हें पढ़ते हैं। तो ये था नज़ारा लोटस टेम्पल का, तो आइए अब नीचे चलते हैं।
हम लोग लोटस टेम्पल से नीचे आ गए, हम लोग जाने वाले गार्डन की ओर। चलिए आपको लेके चलते दिखाते हैं। तो गार्डन जाने से पहले हम लोग अपने जूते कलेक्ट कर लेते हैं जो कि यहाँ काउंटर पर रहते हैं। जूते पहनने के बाद हम लोग निकल चलते हैं गार्डन की ओर। लोटस टेंपल का बहुत ही सुंदर लैंडस्केप गार्डन भी है जहाँ आप शांतिपूर्ण और हसीन वातावरण में घूम सकते हैं। इस मंदिर के दर्शन के लिए लोग पूरी दुनिया से आते हैं और यहाँ पर प्रार्थना करते हैं। और अगर आप दिल्ली में हैं तो लोटस टेंपल को देखने ज़रूर आए और यहाँ का वाइब फील करें। लोटस टेंपल में आपको इन्फॉर्मेशन सेंटर देखने को मिलता है जहाँ जाके आप एक्सपर्ट्स और वॉलंटियर से अपने लोटस टेंपल के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये रहा इन्फॉर्मेशन सेंटर जहां आप जा सकते हैं। तो लोटस टेंपल का पूरा टूर करने के बाद चलिए अब बाहर चलते हैं। और बाहर जाते टाइम हमें दिखते हैं ये बहुत ही प्यारे बच्चे जो कि हमें अपने बचपन की याद दिला दिए थे। और लोटस टेंपल के बाहर आने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे खाने के स्टॉल्स और कुछ आइटम्स मिल जाएंगे जो आप खरीद सकते हैं। ये था हमारा आज का ब्लॉग लोटस टेंपल। आपको ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।